सब्सक्राइब कीजिए होम स्टाइल किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्टाइल किचन में। आज हम बनाएंगे दम हांडी पनीर। दम हांडी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 मीडियम प्याज को स्लाइस में काट लेंगे और उन्हें डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसे ठंडा होने पर उसकी ब्राउन ऑनियन पेस्ट बना लेंगे। अब हम पॉट गरम करेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। अब हम इसमें 4 छोटी इलायची डालेंगे, 4 लौंग डालेंगे, 1 इंच दालचीनी डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे और इन्हें सौते कर लेंगे। अब हम इसमें ब्राउन ऑनियन पेस्ट डालेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दही डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च की पेस्ट बना लेंगे और वो डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे एक टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून सफेद मिर्च क्रश की हुई डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च क्रश की हुई डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 400 ग्राम पनीर के क्यूब्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी पुदीना की पत्तियां डालेंगे क्रश करके थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप क्रीम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पॉट को फॉइल पेपर से कवर कर देंगे जिससे भाप बाहर ना निकले और इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे 15 मिनट तक पका लेंगे। और ये हमारा दम हांडी पनीर बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, दम हांडी पनीर बनके तैयार है।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।